अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा जुनेद है एंड आई हैव बीन एलोकेटेड एज असिस्टेंट कमिश्नर PMS 2021. सिंस मैनी ऑफ यू वर आस्किंग मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यू नो अभी नेक्स्ट PMS इज़ कमिंग एंड अराउंड द कॉर्नर बिल्कुल एक महीना रह गया है, तो क्या उसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हमने चीज़ें प्लान करनी है. सो आई एम हेयर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज. तो आज का जो सेशन है हम लेके चलेंगे अपने चार बेसिक क्वेश्चंस के साथ. तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही कि सिर्फ एक महीना रह गया है और कंप्लीट हम जो हमारी प्रिपरेशन है वो हम कैसे स्टार्ट करें या फिर कैसे प्लान करें. तो ये जो वन मंथ वाली जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि जाहिर है जब अगर हम अपना सिनेरियो देखें जो लास्ट ईयर वाला था उसमें भी वी वर ओनली लेफ्ट विद लाइक 25 to 27 days, क्योंकि बिल्कुल एकदम से वो PMS की डेट अनाउंस हो गई थी, डेट शीट वगैरह सारा सीन था. तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि पेपर तो देने हैं कि उसको एस तो करना है. तो उसके लिए आप हमारी क्या प्रिपरेशन है, जो मेरी थी, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले आप PPSC की वेबसाइट पर जाएँ और इसका सिलेबस डाउनलोड कर लें. जब आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं, मतलब कंपलसरी का भी और जो जो आपके ऑप्शंस हैं वो भी, सिलेबस डाउनलोड किया उसको डाउनलोड करके आपने प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रख लेना. बच्चे ऑनलाइन हम डाउनलोड करते हैं, मोबाइल से देखते हैं, नहीं, आपने क्या करना है उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना. और अब क्या चाहिए हमें, हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल असेसमेंट. इंडिविजुअल असेसमेंट हर सब्जेक्ट की किस तरह से है कि आपने हर सब्जेक्ट का, जिस तरह एसए का तो आई नो कि कोई सिलेबस नहीं है, वो तो हम लोगों ने खुद से देखना होता है. जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में अब हम लोग देख लेते हैं, जिस तरह इस्लामियात है या पाकिस्तान स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स है, हम लोगों ने उसका प्रॉपर सिलेबस खुद से असेस करना है. पहले सारे टॉपिक्स देख लेना है, सारे टॉपिक्स देखने के बाद और जो हर सिलेबस हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स को एनालाइज करना है. सबसे ज़रूरी जो PMS की प्रिपरेशन के लिए चीज़ है वो है पास्ट पेपर की एनालिसिस करना. पास्ट पेपर का एनालिसिस आपने किस तरीके से करना है, आपके पास कम से कम 5 से 6 साल के पास्ट पेपर आपके पास मौजूद होने चाहिए. वो आप ऑनलाइन निकाल लें, किसी बुक के फॉर्म में ले लें, किसी तरीके से आप अपने पास पास्ट पेपर रखें. जिस तरह मैं पाकिस्तान फेयर की बात करती हूँ, पास्ट पेपर रखें और साथ में आपके पास उसकी आउटलाइन मौजूद हो सिलेबस की. तो आप जब पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आने लगेंगी कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, या वो एक ही क्वेश्चंस हैं जो अपने नए फेजेस में आगे आ रहे हैं. PMS में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको टाइमलाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें जो ब्लैंक्स हैं और वो टाइमलाइन के बगैर ज़रूरी नहीं है. तो आपने अपना जो पूरा वन मंथ है आपने इस तरीके से प्लान करना है कि आपने अपना एक प्रॉपर शेड्यूल डिवाइस करना है. इतने डेज हैं, लिख के, बेशक वो जो हम बचपन में लिखा करते थे, मैं भी इस तरह करती थी, लास्ट डे तक मेरे पास रिटर्न प्लान मौजूद था. लिख के अपने आपने चीज़ें जॉट डाउन करनी है कि आपने इस डे में कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है, क्योंकि कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि कुछ डेज डिवाइस कर लिए और वो पूरा सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया. तो जो मेरी जर्नी थी वो ये था कि मैं एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती थी लेके, क्योंकि मैं या तो मैं बोर होने लगती थी या फिर मेरी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ख़त्म हो जाती थी. तो उसमें यह था कि मैं डेली 2 से 3 सब्जेक्ट साथ लेके चलती थी, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो था GK का. अब हम लोग आ जाते हैं GK की तरफ के GK को कैसे टैकल करें. तो GK को टैकल करने से पहले है कि GK को प्रिपेयर कैसे करना है. तो GK को प्रिपेयर करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट वो यही है कि आपके पास पाकिस्तान अफेयर की प्री पार्टीशन की और वो जो सारी टाइमलाइन है वो आपको अच्छे से टाइमलाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चीज़ें टाइमलाइन पे याद करते हैं तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहती हैं. और उसके बाद क्या करना है, आपने जब वो सारी चीज़ें याद कर लेते हैं उसके बाद आपके करंट अफेयर के MCQs, और वो मतलब क्योंकि हम लोग इन प्रेस प्रोसेस में होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, हमें चीज़ें कुछ पता होती हैं करंट अफेयर की, तो वो जो आपने GK को देखना है इसको तैयार करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने MCQs आपकी नज़र से गुजरते हैं वो देखते जाएँ. अभी तो हमें पता है मतलब डिफरेंट चैनल्स हैं, हम लोग ऑनलाइन भी देखते हैं, या डिफरेंट आपके पास बुक्स भी हैं जो कि करंट अफेयर के MCQs भी जो है उनके ऊपर प्रिंटेड हैं, या करंट अफेयर्स के MCQs जो अपलोडेड होते हैं, उसको डेली एक घंटा दें. कोई वीडियो है तो उसके सारे MCQs देख लें, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहना शुरू हो जाए.
वो जब हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे विजुअल मेमोरी में रह जाती हैं, तो वो जो जीके के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी विजुअल मेमोरीज में रहना शुरू कर देंगे। तो बाकी यही है कि करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन आता है और वो जो सारी चीज़ें, अब इनको हम लोगों ने किस तरह से फाइनलाइज करना है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जीके के पेपर, खासतौर पर जो पास्ट पेपर के जीके के पेपर हैं, उन्हें लेने हैं और उनको सॉल्व करना है। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि आपने जीके के पेपर को किस तरह से मतलब सॉल्व करना है, कितने एमसीक्यूज आपको आ रहे हैं और कितने एमसीक्यूज हमें नहीं आ रहे, हमने प्रिपेयर करने हैं, कौन से सेक्शन हमें कहाँ से तैयार करना है, ये आपको ईजीली पता चलता जाएगा। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्कोर कैसे लिया जाए ओवरऑल पीएमएस के पेपर में, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं समझती हूँ वो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है। आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो आपको सब बच्चों में से हाईलाइट करती है, जिस वजह से आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। और पेपर प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है, वही कि आप अच्छे तरीके से आप हेडिंग प्रोड्यूस करें, अच्छे तरीके से आप हेडिंग के अंदर जो आपका मटेरियल है उसको भी हाईलाइट करके लिखें, अपना फ्लो चार्ट्स ड्रा करें, जहाँ पे रिक्वायर है डायग्राम्स बनाएं, डायग्राम्स के अलावा आप चार्ट्स ड्रा करें, कोई मैप्स ड्रा करें, ये वो चीज़ें हैं जो आपके पेपर को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करती हैं, दूसरी चीज़ों से, दूसरे पेपर से डिफरेंट करती हैं। इसी तरह जिस तरह आपके पास इस्लामियात का पेपर है तो आप उसमें आयात हैं या अहदीस हैं उनको कोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोट करें, और उसमें यही है मतलब ये वो चीज़ें जो आपके पेपर को बहुत बहुत अच्छा बनाएंगी और इसमें ये आपको हेल्प करेगा कि आप मैक्सिमम स्कोर इसमें ले सकते हैं। और जो अब हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिटन प्रैक्टिस का क्या रोल है, तो रिटन प्रैक्टिस ऐसे ही है कि रिटन प्रैक्टिस है तो पीएमएस है, या कोई भी एग्ज़ाम है चाहे वो सीएसएस है पीएमएस है, रिटन प्रैक्टिस आपकी इतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को चीज़ें, बहुत सी चीज़ें याद होती हैं, आई वॉज़ वन ऑफ देम कि मुझे बहुत सी चीज़ें याद थी, याद करते रहना। जब मैंने एक दफ़ा, जब पहली दफ़ा लिखा तो मेरे पास इतनी चीज़ें जो थी दिमाग में थी, वो जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग चल रही थी सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब मैं लिखने लगी तो आई वॉज अनेबल टू इवन राइट अ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, वो जो 6 to 7 लाइन का पैराग्राफ था मैं वो भी नहीं लिख पाई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लिखना कैसे है। तो वहाँ से फिर हमारी प्रेपरेशन स्टार्ट होती है रिटन प्रैक्टिस। तो वो जो आपकी डेली की रिटन प्रैक्टिस थी, इवन के लास्ट डेज में जो खासतौर पर हमारा एसे पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, डेली की एक आउटलाइन लिखनी है, आपने अपने आप को खुद टाइम देना है, आपने अलार्म लगाना है, आपने काउंटर लगाना है, जो भी आपने टाइमर लगा के आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आप एक क्वेश्चन बनाएं। और जब बच्चों के लास्ट पे बच्चे समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास अगर तो राइटिंग अच्छी है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपसे डेली नहीं लिखा जाता, तो आपको क्या चाहिए, आप एटलीस्ट हर क्वेश्चन की आउटलाइन तैयार कर लें। जब आप क्वेश्चंस की आउटलाइन तैयार करते हैं, अपने वो दिमाग में बिठाते हैं, तो वो एक तरीके से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी प्रैक्टिस चल रही होती है। तो ये वाला भी आपको चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो लास्ट डेज में चलता है। तो हमने करना क्या है, मैं अपनी सारी वीडियो को मतलब अपने सारे जो प्लान को समराइज करती हूँ इस तरीके से कि सबसे पहले आपने एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल को आपने अपने ही तरीके से डिज़ाइन करना है कि हम सब्जेक्ट को 4-5 दिनों में ख़त्म करें, हम सब्जेक्ट को डेली लेके चलें, हफ्ते में ख़त्म करें, क्योंकि जीके एक वाहिद सब्जेक्ट है जो आपका डे वन से डे एंड तक सारा साथ साथ चलेगा। उसमें आप पीपीएससी के जितने पास्ट एमसीक्यूज़ हैं वो देखें, जो खासतौर पे पीएमएस के पास्ट हैं पेपर्स हैं वो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, और उसके बाद जो आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग को आपने किस तरह से टैकल करना है, कि आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपको 100% श्योर है कि ये क्वेश्चंस ठीक हैं। अब जी हमने तो पासिंग मार्क्स लेने हैं, सबसे पहले अपनी पासिंग रेशियो सिक्योर करनी है, वो जब हमारे ठीक हैं, अगर तो 40 ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके ऊपर जो आपने खेलना है तो वो आपने इस बेसिस पे खेलना है कि अगर आप 4 MCQs जो है रॉन्ग होगा तो आपका एक नंबर माइनस में जाता है। तो वो आपने फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको 70-80% यूँ लगता है कि वो ठीक है, मतलब 70-80% आपको लग रहा होता है कि या ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, 20% वाली जो ऑप्शन है, 20-30% वाली ऑप्शन है वो बिल्कुल लीस्ट पे रखनी है जब हम अपने एमसीक्यूज बकायदा काउंट कर रहे होते हैं।
मेरा ये था कि पेपर करते वक्त मैंने काउंट कर करके साइड पे लिख लेती थी, अब मैंने इतने जो हैं कंफर्म है, फिर इतने 70% आते हैं, फिर इतने, फिर इस तरीके से हम अपने नंबर को इवेल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो पहले इंपॉर्टेंट है जीके के पेपर में वो के पास होना, उसके बाद जो ऊपर का है वो आपके वो समझे ग्रेस मार्क्स हैं कि आपको आ रहा है चीज़ें और आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने उस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से डेली लेके चलना है जीके को, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद रिटन प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की, हर सब्जेक्ट की, एसे की, आउटलाइन की, डेली कुछ ना कुछ लिखें, थोड़ा लिखें, ज़्यादा लिखें, मगर लिखें, लाजमी लिखें। फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन ठीक करें कि जब आप दो पेज लिख रहे हैं तो लाजमी तौर पर उन दोनों पेजेस में कोई छोटा सा डायग्राम बना दें, कोई छोटा सा फ्लो चार्ट बना दें, कोई छोटी सी आप कोई मैप बना दें, कोई कोई कोट लिख दें, कोई कोटेशन लिख दें, कुछ भी लिख दें। ये चीज़ें आपके पेपर को ज़रा खूबसूरत दिखाएंगी और ये जो चीज़ें हैं ये मैटर्स अलॉट, आपके जो स्कोर्स आता है और सारा कुछ, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ये सब कुछ किस तरह से आता है आपकी रिटन प्रैक्टिस से। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू हु आर अपीयरिंग इन द नेक्स्ट PMS। तो आई विश कि आप इन सबको अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे और इंशाल्लाह यू विल एस इट। Thank you.